नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विप्रो ने पहली तिमाही के नतीजे आज की डेट में अनाउंस कर दिए हैं, जो कि मार्केट बंद होने के बाद ये कंपनी की बोर्ड की बैठक खत्म हुई है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ओपन की गई है कंपनी की कंसोलिडेटेड नंबर्स की शीट और इसमें अमाउंट सारा मिलियन में दिया गया है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट हो रही है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। देखिए, तिमाही आधार पर कंपैरिजन करेंगे यानी मार्च 22 से लेकर जून 22 में सबसे पहले 3 महीनों के अंतर से कंपनी की टोटल इनकम यहाँ दिखाई गई है और अमाउंट चूंकि सारा मिलियन में है। देखिए, 21,362 करोड़ के सामने कंपनी की इनकम 22,001 करोड़ की आई है। तो यहाँ इनकम में कंपनी के आपको बढ़त देखने को मिल रही है। तो देखिए, ये बढ़त कंपनी को तिमाही आधार पर इनकम में मिली है और साल दर साल देखेंगे जून 21 से लेकर जून 22 में 19,045 करोड़ के सामने 22,001 करोड़ की पोस्ट की गई है। तो साल दर साल भी कंपनी की इनकम में बढ़त हुई है, तो नतीजे इनकम के हिसाब से ठीक देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा आते हैं कंपनी के प्रॉफिट पे। एक्सपेंसेस टैक्सेस सब हटाने के बाद शुद्ध मुनाफा कंपनी का, तो ये देखिए आपको यहाँ डिक्लाइन देखने को मिलेगा। 3,092 करोड़ के सामने गिर के आया है 2,558 करोड़ का, जो कि साल दर साल भी 3,248 करोड़ के सामने डिक्लाइन लिया हुआ है। इसका रीज़न अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगा कंपनी के एक्सपेंडिचर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आए हैं। 17,628 करोड़ के सामने आए हैं 18,647 करोड़ के, जो कि लास्ट ईयर 15,172 करोड़ के थे। इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है। और पीबीटी देखेंगे तो ये भी गिरा है, यानी कंपनी के इनकम में से खर्चे लेस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,732 करोड़ के सामने आया है 3,352 करोड़ का, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है। और साल दर साल 3,873 करोड़ के सामने भी 3,352 करोड़ का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो नतीजे ओवरऑल कंपनी ने वीक पोस्ट किए, हालांकि इनकम तो बढ़ी है। ईपीएस देखते हैं, अर्निंग पर शेयर 5.64 रुपये के सामने 4.70 रुपये की डिक्लाइन लिए हुए है, जो कि लास्ट ईयर 5.94 रुपये थी, उसके सामने भी इस साल जो है इस क्वार्टर में कम होकर आई है। तो देखिए, अगर बात की जाए डेली चार्ट की, तो ऊपर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड हो चुका है स्टॉक और सभी आईटी स्टॉक की कमोबेश यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। 400 के स्तर पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और काफ़ी एक पुराना 2021 का स्टॉक के पास यहाँ पर सपोर्ट है। अगेन आपको स्टॉक 400 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। 400 अगर ब्रेक किया तो फर्दर और ज़्यादा वीक ये चार्ट हो जाएगा। कमेंट कर बताना आपको कैसे लगे नतीजे, क्या आपने बाय कर रखा है विप्रो। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।